बस ये जानना चाहूँ कि एक फुलवासन भाई है, पद्मश्री फुलवासन भाई कैसे बने और घर पीछे प्रेरणा कहानी से। सबसे पहले तो मैं आप सब नमस्कार। मोर शायद मणिमेड ही नहीं इच्छा शक्ति और लगन और स्वयं के प्रति विश्वास इंसान बहुत कुछ पहुंचा सकते। काबर की जब तक समाज में तो बहुत प्रकार के परेशानी बहुत सारा डर महिला में भरे रहते, लेकिन वो डर ला हम एक हथियार बना के चले के शुरू करन तो एक बहुत बड़े काम हो सकते। ये अपन सोच ला बदलना और अपन आप में वो ताकत ला जागरूक करना जगह से हम सुधरेंगे ही, परिवार तो सुधरी और समाज भी सुधर सकते। तो ये स्वयं की गरीबी स्थिति रही से तो ये मन में 7 साल की उम्र से ही मोर मन में रही से गरीबी होते काबर, गरीब के हो कोई काबर साथ नहीं दे, गरीब लोग कोई दो वक्त के रोटी काबर नहीं दे और पढ़ाई में कोई साथ काबर नहीं दे। बहुत सारे ऐसे समस्या जो समाज में मैं देखूँ तो बचपन से मोर मन में ही लगे कि मोर कुछ करना है। तो सबसे पहले तो बचपना ही मोर 7 साल की उम्र में कब्बस सिद्ध होते हुए निकल गए, 2 दिन 3 दिन तक भूखे रहना ये स्थिति बहुत रहा है। ये सब लगीस तो माँ बाप पढ़ा नहीं सकत रहा है तो मोला लगीस कि मोल पढ़ना चाहिए, पढ़ना सबसे ज़्यादा जरूरी है, हम पढ़ेंगे तभी समाज में कुछ कर सकथन और अपन घर के परिवार ला दो वक्त के रोटी भी दे सकथन। कबर के वहाँ ड्राइवर कंडक्टर होटल में चाय पिए लाए तो मोर मन में जागरूक लगीस कि मोल कुछ करना है, पढ़ना ही है। तो दूसरा मन 5वीं कक्षा तक पढ़ाईस और वहाँ 5वीं कक्षा पढ़ते हुए 10 साल में शादी कर दीस माँ बाप, 13 साल में ससुराल भी भेज दी। तो यहाँ भी वो स्थिति, यहाँ भी वो स्थिति, यहाँ भी 20 साल तक गरीबी देखी हूँ। गाँव में गई है बकरी चराना, ना घर रहा है, ना खाए दो वक्त की रोटी, न तन में ढंग से कपड़ा, 2 दिन 3 दिन भूखे प्यासे रहना। तो मैं लगी इसके एक माँ कितना लाचार होती, चाह के भी कुछ कर नहीं सके। कबर की एक लकड़ी ला आसानी से तोड़े जा सकते, लेकिन वो लकड़ी के साथ मान लो 10-15-20 लकड़ी गट्ठा बांध दिए जाए तो काकरों में ताकत नहीं है कोई तोड़ सके। ये मोर मन में एक इच्छा हो इसके मोल कुछ करना है। हम 10-11 बहनी इकट्ठा होन, समाज बहुत परेशान करी, इस घर में भी परेशानी हो इस कबर की, कभी भी कोई महिला घर से बाहर निकलना एक बहुत बड़ी बात होती। ये 20 साल के पहले की बात है और वो वक्त मोर में एक बहुत बड़ी चुनौतीपूर्ण काम रही से घर से बाहर निकलना, घर में भी खाना पीना नहीं, घर में परेशानी और दिन भर हम गाय बकरी चरान तो गाय बकरी चरा में भी परेशानी होना, खाए पी पर दाना नहीं रहे तो में भी परेशानी होना। फिर भी मोर लगी इसके कम से कम मोला कुछ तो करना चाहिए। आज तकलीफ है लेकिन एक न एक दिन मोर भी दिन अलग उठी, मैं भी कुछ करूँ, साथ साथ में मोर आने वाला मोर बहनी ओमन भी कुछ करी। तो ये मन की इच्छा शक्ति और स्वयं के प्रति विश्वास है जो यहाँ तक पहुँचा है। और धीरे धीरे मैं महिला समूह बनाया, 2 रुपया पैसा 2 मुठा चावल से ही शुरू करें 11 महिला और आज वो पैसा 40 करोड़ बचत राशि हो चुकी है। जहाँ 11 बहनी मन रही ने वो 11 बहनी आज 13,444 महिला स्वयं सहायता समूह जिनमें 2.5 लाख महिला जुड़े हैं। आज खाली महिला स्वयं सहायता समूह नाम के नहीं, ये हमार महिला स्वयं सहायता समूह बहनी है जिकर नाम है माँ बमलेश्वरी समूह के नाम से जाने जाते। पूरा राजनांदगांव जिला में 1681 गांव जहां हर गांव में माँ बमलेश्वरी समूह बन गए। धीरे धीरे हमार काम शिक्षा ला लेके, स्वास्थ्य ला लेके, स्वच्छता ला लेके, रोजगार ला लेके और नशा मुक्त समाज बनाना ये हमार मेन मुद्दा बन गए। कबर की ये मुद्दा हम महिला मन भरे, हम सबसे ज़्यादा जो तकलीफ है चाहे खाइबर हो, चाहे बेरोजगारी भी हो, चाहे स्वास्थ्य के बारे में हो, चाहे शिक्षा के बारे में हो, चाहे नशा मुक्त में नशा जो पिए थे जिकर घर में पति शराब पिए थे या बेटा शराब पिए थे तो सबसे ज़्यादा महिला मन ही परेशानी उठाए पड़ते। तो एक कारण मोला लगी इसके ये काम ला करना चाहिए। और मैं कभी सपना में भी नहीं सोच रही हूँ कि पद्मश्री सम्मान तक पहुँच सकता हूँ। अब ये सम्मान बाकी ये फुलवासन यादव के या मोर सम्मान नहीं है, ये हर एक महिला के सम्मान है राजनांदगांव जिला ने छत्तीसगढ़ के, जो एक घर से उठ के अपन गरीबी ला खुद के लड़ाई लड़के उमन आगे बढ़ीन और अपन रोजगार ला स्थापित करी से अपन पूरा परिवार ला दी। अभी के जो समय देखा तो अभी जो परिवेश है, अभी के जो आधुनिक एकदम चकाचौंध और दौड़ भाग की जो स्थिति है, इतना समय में आप अभी नया प्रयास का करत हो लोगन ला जागरूक करे के लिए, का चीज अभी करे के प्लानिंग है आपके? हमार सबसे पहली हमार जो महिला स्वयं सहायता समूह से एक संगठन के रूप में तैयार करें, 11 महिला जो काम कर सकते हैं ओकर से भी बेहतर और जितना ज़्यादा हमार महिला जुड़ जाए और काम कर सकते हैं ग्रुप, हाँ ग्रुप बन जाए तो एक गांव ला ना लेके हम एक गांव के महिला तो जुड़े ही है पूरा,
ग्राम संगठन बना के ओला हमन 10-10 गांव के बन के क्लस्टर तैयार कर लें और गांव में जो भी समस्या है, जो भी परेशानी है, चाहे शिक्षा में हो, चाहे स्वास्थ्य में हो, चाहे स्वच्छता में हो, रोजगार में हो, या नशा से परेशान पीड़ित है, ओकर समस्या बरकर हम 10 गांव के महिला एक संगठन बना लें, समिति तैयार कर लें। और सबसे ज़्यादा वो गांव में जो बेरोजगार है महिला, कबर कि एक महिला के शिक्षित हो से घर गांव समाज शिक्षित होते, तो ये सोच के हम महिला ला शिक्षित कर देंगे, महिला ला ट्रेनिंग देंगे, तो ओकर पति भी सीख जाए, ओकर बेटा भी सीख जाए और वो एक स्थापित खुद ओमन कर सकते। हमन तो कम पढ़े लिखे महिला हैं, कई महिला है जो बिल्कुल पढ़े भी नहीं है, तो ये महिला मल्ला हमला लगी इसके गांव में ही सोना है, गांव में बहुत कुछ हो सकते और गांव में लखपति करोड़पति भी बन सकते, इतना ज़्यादा काम गांव में है। काबर के महात्मा गांधी के भी आत्मा हमार गांव में ही बसते। तो गांव में मुर्गी पालन, बकरी पालन, वहाँ की खेती ला ऑर्गेनिक खेती तैयार करना, जो रासायनिक खाद से आदमी बीमार पड़ते थे ओला बचाए बर हमन खुद किछुआ खाद तैयार करना और खुद अपन खेत में डालना और बेचना, किसान मल्ला देना, ये काम जिमीकंद, जो जिमीकंद में जो निशुल्क वो में कोई पैसा भी नहीं लगे, जीरो बजट से हमन हर रोजगार ला बढ़ा सकथन और लाखों रुपया कमा सकथन, मतलब रोजगार अपन गांव में ही पैदा करे कोशिश करथन। हाँ, गांव में ही। और आने वाले पीढ़ी लोग बताना चाहथन कि ओमन नौकरी पर दौड़ रहे, पढ़ते लिखे था नौकरी में जाते। हाँ, तो मोर हिसाब से लगते कि जिंदगी में नौकरी करने वाला नौकर ही कह ली, लेकिन जब रोजगार कर ली तो वो इंसान है, रोजगार करे से वो 10-20 आदमी ला भी रोजगार दे सकते, अब वो मालिक भी बन सकते। ये सोच मन में लगी और आज बड़े बड़े हमार सोसाइटी है, कंपनी है, चाहे डेयरी के नाम से हो, चाहे बकरी पालन के नाम से हो, चाहे वन उपज के नाम से हो, या छीताफल आइसक्रीम बनाए के नाम से हो, हर जगह ऑर्गेनिक कंपनी अलग बन चुके। तो चारों तरफ हमार महिला मन है जो एक कंपनी और सोसाइटी बना के काम कर रहे थे और लाखों रुपया पैसा कमा। अच्छा दीदी, एमा अपन सिर्फ महिला समूह ला ही शामिल कर रहे थे कि जिन और पुरुष वर्ग या बेरोजगार युवा वर्ग है, मतलब या कुछ प्राथमिक कर रहे थे? ये तो कथे ना कि गाड़ी में दो पहिया होते, दो पहिया से गाड़ी चलते। महिला ला कोई चीज ट्रेनिंग दे थन तो ऐसे तो नहीं होकर पति काम नहीं करी। मैं खुश नसीब हूँ एक दिन वही पति घर से बाहर निकाल दे महिला मल्ला, लेकिन आज वही पति अपन पत्नी ला गाड़ी में बैठा के बैठक तक लाते, ये बहुत बड़ी हमार मन में उपलब्धि है। और वो जो डेयरी काम कर रहे थे तो महिला के साथ में उनका पति भी डेयरी में सहयोग कर रहे थे और रोजगार ही मिल चुके हैं, तो इनमें महिला और पुरुष दोनों मिलकर काम कर रहे थे। बच्चा भी गलत रास्ते में जाते और वो बच्चा अपन माँ बाप के काम ला दे के वो बच्चा भी जुड़ा थे, तो ऐसे बहुत सारा काम है और हम सब लोग मिल के ही काम कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपके प्रयास बहुत सराहनीय है। यदि मोर एक पर्सनल जो मैं हमेशा जानना चाहता हूँ और कभी कभी मोर मन में आती थी लेकिन कोई उचित स्थान नहीं मिले जहाँ पे मैं चर्चल कर सकूँ, तो मैं वो चर्चल आपसे करना चाहता हूँ कि मुझे ये लगता है कि गाँव अगर गाँव बन के रहे तो ही वो गाँव है। अगर वहाँ अगर हम शहर की सुविधा देना शुरू कर दें तो निश्चित तौर पे गांव गांव नहीं रह जाए। और अगर गांव को मन है अगर शहरी आदत ला अपना ली तो शहर नहीं बचे। सही बात है, तो बढ़ सकते हैं, हिस्सा ले सकते हैं। इधर बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मतलब मोर मन में ही रही सवाल है। हाँ, सबसे पहली बात तो गांव में गंगा, गांव में गोदावरी का थे, गांव से बड़े कितना भी चाहिए लेकिन गांव के पालना शहर नहीं कर सके। कबर की ओकर जो सोच, ओकर जो विचार, एक दूसरा के प्रति एक भाव, ममता, सहयोग की जो भावना, सहयोग के भाव। शहर में जाओ तो आजू बाजू वाले अगर कुछ भी होते ओकर कोई देख रेख करने वाला नहीं है, लेकिन गाँव में काकर अगर कुछ भी हो गए तो पूरा गाँव उमड़ जाते। तो ये जो भाव है गाँव में, तो मैं तो यही कहूँ गाँव ला गाँव ही रहने दे, शहर अपन जगह में, लेकिन गाँव, हाँ गाँव से बढ़ के मोर तो प्राण है। मैं चाहूँ तो हर जगह चाहते कि वहाँ वहाँ रहो, दिल्ली में रहो, रायपुर में रहो, लेकिन मैं अपन गांव ला कभी छोड़ के ज़िंदगी में नहीं जा सकूँ। गांव से मोर प्रेम है और गांव ही में ही सब कुछ तैयार होने वाला है, तब शहर है। शहर से तैयार होने वाला गांव नहीं है, लेकिन गांव से पूरा तैयार होते, पेट में खाना से लेके दाना हो, हर चीज़ जो है गाँव से उत्पन्न होते। अब बोले हम शहर बना देंगे तो फिर खाएंगे काला। जिन हिसाब से एकदम जिला हम विकास के नाम देते हैं वो कहीं कहीं पे एक हिसाब से थोड़ा गलत भी है कि जो शहरीकरण करे के लिए सुविधा जरूर दो। सही बात है, जरूरी जो चीज है, बुनियादी जो जरूरत है सुविधा जरूर दो, लेकिन गांव के अस्तित्व खत्म करना सही नहीं है। मोर भी हिसाब से ऐसी है, गाँव में रहना चाहिए और
गांव वाले मन के जो सोच है ना वो बहुत अच्छा सोच है हर जगह आज जो है हुकम के अंदर। हाँ, जो आज नशा मुक्ति में नशा मुक्ति जैसे इतना बड़े जिला शासन प्रशासन जे कामला कर नहीं पाते, पुलिस प्रशासन जे कामला नहीं कर पाते, वहाँ 10-15 महिला मिल के पूरा गांव ले अपन काबू में ला डलिन। आज 4-5 साल महिला होंगे लगातार घूमत है, लेकिन कभी उमन हाँ मांग नहीं करी कि हमला ये चीज़ चाहिए, लेकिन हम वो चीज़ ला शहर के महिला ला कहेंगे तो बिना पैसा तो करने वाला नहीं है। हाँ, तो एक सीधी मोर भी ख्याल ही है कि शहर तो शहर है लेकिन गांव वाले मतलब गांव की तरह वो मतलब भी जिए का अधिकार है, वो अपन गांव भर समाज भर दो, लेकिन हाँ सुविधा दो, लेकिन इतना सुविधा भी मत दो जो पूरा गाँव ला भी भूल जाए। अंत में मैं आपसे एक चीज जानना चाहूँ कि जैसे बोले जाते ना कि सब कुछ एक जन नहीं कर सके, चाहे आप एक आम आदमी ला बोलो तो वही सब कुछ नहीं कर सके, या सरकार के ऊपर अपन कोई दोषारोपण कर दे तो सरकार ही अकेला कुछ नहीं कर सके, सबला कुछ ना कुछ मिल के करे पड़े। तो आप एक आम जनता ला और सरकार ला आप अपन का संदेश देना चाहो, एक जो का चीज कर जाए कि और प्रेरणा मिले कुछ अच्छा करके। एक बार हमारे मन के हर साल पद यात्रा चलते 4-5 दिन तक पद यात्रा, ये सरकार की हर योजना गांव में आए और गांव में जो समस्या है सरकार तक जाए, सरकार बनाने वाला जनता है और जनता के बात ला सरकार तक बताना भी जरूरी है, और सरकार ला भी चाहिए कि वो जो योजना है ऐसी बेहतर योजना बने जो गांव तक पहुँचे, उकर बार प्रचार प्रसार भी कर सकते सरकार है, और लगातार कहीं ट्रेनिंग के माध्यम से कहीं बैठक के माध्यम से वहाँ तक प्रचार प्रसार पहुँचे, खबर कि आज तक भी ऐसे कई ठो योजना है जो गांव वाले मतलब पता नहीं रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए। और दूसरा जनता, जनता सबसे बड़े जनता समाज है, तब मंत्री है, मुख्यमंत्री है, संसद है, विधायक है और गांव के सरपंच है, जनता एक हो जाए तो गांव की समस्या आप ही आप दूर हो सकते। ये में भागीदारी सिर्फ मुख्यमंत्री के सरकार के ही नहीं है, जनता समाज के भी है, चाहे शिक्षा में हो, स्वास्थ्य में हो, स्वच्छता में हो, रोजगार में हो, चाहे नशा में हो, पूरे चीज में हम सरकार के साथ में भागीदारी अपन कंधा से कंधा मिलाना है, तो हम सब ला एक हो लगी और सरकार के जो योजना है वो बेहतर बनाए बर एक एक जन ला कंधा से कंधा मिला के अपन गांव के चाहे स्वच्छता मिशन हो चाहे शिक्षा पर हो हर चीज़ में हमन आगे बढ़ेंगे, तभी हमार आने वाला पीढ़ी और आने वाला समाज बेहतर हो सकते। तो सरकार और जनता समाज सब ला एक होके ही बराबर हम आगे बढ़ा सकते हैं, और आने वाला नया नया योजना नया नया अलग अलग तरीका से जो काम चलत है वो ला हम पूर्ण रूप से पूरा कर सकते हैं और हमारे परिवार सुधर सकते हैं।